अस्सलाम वालेकुम, और फिर बार में जाए रोज डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, मेरा तो सिंपल सा फंडा है काने दे पीने दे और सोने दे। हंसना मना है जी। मुशाहदे के मुताबिक ना 90% बीवियां अपने खावन के दोस्तों को सख्त नापसंद करती हैं, जबकि 100% खावन अपनी बीवी की सहेलियों को बेहद पसंद करते हैं। लोग मरते हैं मुझ पे। लड़का क्यों, तुम सरकारी हॉस्पिटल की बिस्तर हो क्या? शॉपिंग के दौरान जब कोई चीज महंगी लगे ना तो दूसरे ममालिक में इट्स सो एक्सपेंसिव, पाकिस्तानी आप रखें हम आते हैं। ये भी मुमकिन है कि वो मेरे हाथ की चाय पिए और वहीं पड़क जाए। सिवाय चाय के किसी शे की तलब नहीं मुझे। मुझसे प्यार है तो आप ढाबा खोल लीजिए ना। जब बड़ी ईद के अलावा मटन खाओ तो बोटी भी कहती है कि ओ जनाब तुसी कौन हो। लगता है कि मुझे बस अब तीसरी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली और दूसरी तो हो ही ना। एक दिन तुम सबका ब्रेकअप होगा, देख लेना मेरी वीडियोस पर ना आने वालों। लड़की डॉक्टर साहब टीका ना लगाना प्लीज। डॉक्टर ते फिर टीका पीजे ते पा के दे दे। फेक आईडी से तुम औरत तो बन सकते हो लड़को, लेकिन सारी उम्र माँ बनने को तरसते रहोगे। शादीशुदा लड़कियों को जब देखती कसम में बड़ा दिल करता है कि मेरा भी शोहर हो। 97% माएं अपने बच्चों को ऐसे रिश्ता करवाती हैं कि अम्मी बेटा तुम्हें कोई लड़की पसंद है? बेटा जी अम्मी। अम्मी कौन है बेटा? बेटा यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है। अम्मी अच्छा तो क्या नाम है इसका? बेटा शर्माते हुए अम्मी जी नोरीन पिंकी डॉल। अम्मी माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। तस्वीर है उसकी? बेटा जी अम्मी ये देखे। अम्मी माशाल्लाह कितनी प्यारी है। तो अच्छा बेटा इसको बता देना कि तुम्हारा रिश्ता पप्पो के घर हो गया है। मैं जरा हांडी दे। जल्दी से ले जा भाई मैं हमारी बेटी को, एक हफ्ते में 30 से 40 पार्सल आते हैं इसके। अंग्रेजों को विरासत में नीली आंखें, सुनहरे बाल और दौलत मिलती है, और हमारे यहाँ विरासत में शुगर, ब्लड प्रेशर, गंजापन और कर्जे मिलते हैं। क्या ये कुल तजाद नहीं? बीवी देखो मैं इसे गुज़िश्ता 7 साल से मुसलसल पहन रही हूँ, फिर भी इसकी फिटिंग वैसी की वैसी, और तुम मुझे मोटी कहते रहते हो। शोर खुदा से डरो बेगम, ये शॉल है। कुछ लोग 4 स्वेटर और 2 पजामे पहन कर बोल रहे होते हैं कि हुण ओ सर नहीं रही है। अम्मी ये किचन के सारे कप्स कहाँ गए हैं? ले मैं सर्दियों में स्पेशली। किसी को खोने का गम क्या होता है, ये आज फिर से पता चला मुझे, जब मेरी दोबारा से मूंगफली का एक साबुत दाना चिल्लाने के हो गया। दीदी समझो बात को, वो खुद लंडा बाजार से हुडी खरीदता है तो तुम्हें क्या आउटफिटर से शॉपिंग करवाएगा? हाँ फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की रेंज अब भी दूसरे नंबर पर है। व्हाट्सएप स्टेटस के आड़ में ताने मारने वाले रिश्तेदार बदस्तूर पहले ही नंबर पर हैं। 2 रुपए की थालियां उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि एटीएम से आने वाली आवाज नोट गिनने के होती है। पाकिस्तानी ज्यादा माफी किससे मांगते हैं? नहीं पता, फकीरों से। आज आप सोच रहे थे ना कि बीवी से, वैसे आप भी अपनी जगह से। एक ईरानी का खातून ने लिखा कि जब मैं सोशल मीडिया पर अपने शोहर की पोस्ट से एहसासात और तजुर्बात पढ़ती हूँ ना तो सोचती हूँ कि काश मैं उनकी बीवी बन पाती। हमारे मुंह नहीं लगना था तो बता देते, यूं डूब कर मरने की क्या जरूरत। चलो शादी वाली बात तो ठीक है, लेकिन क्या मेरी वीडियोस पर आने के लिए भी तुम्हारे अब्बा नहीं मानते? हमारे यहाँ किसी का रिश्ता आता है तो सब खानदान वालों के साथ मशवरा किया जाता है, सिवाय उसके जिसका रिश्ता आता है। तुम्हारे इश्क ने बर्बाद कर दिया, वरना मैं अपने गांव का सबसे हसीन लड़का हूँ। सवेरे
उठकर सोचती हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए कुछ नया करूंगी, फिर मुझे घर वाले बटन मांझने पर लगा देते हैं। पता नहीं क्या बनेगा पाकिस्तान। चलो बताओ, रॉन्ग को उर्दू में क्या कहते हैं? जिसने गलत बताया ना उसे थप्पड़ पड़ेगा। आज ना थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो सोचा कि अपनी तो हो नहीं रही, माल्टे और माल्टी की ही शादी करा दूं। एक हफ्ते बाद किसी शादी में गई ना मैं, तो पास बैठी औरत ने ना एक बेटी से पूछा कि क्या इस्तेमाल करती हो जितनी खूबसूरत। तो लड़की ने कहा कि मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। औरत ने कहा बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि ये गर्दन भी सफ़ेद हो जाए तुम्हारी। हाँ जी। जब मेरा मूड ख़राब होता है मेरे पास हर बात का एक ही जवाब होता है कि मैनू नहीं पता, मेरा सारे ना खाओ। कौन कौन से करते हैं दसियो? मनपसंद औरत मोटी भी हो ना तो वो भी मर्द को गुलाब की पत्ती लगती है, हालांकि वो होती 3 मन की बोरी है। किड्स लॉजिक के चलो रात के 2 बजे परफेक्ट टाइम होता है रोने का। पाकिस्तानी अपना मुस्तकबिल बर्बाद होते हुए तो बिल्कुल देख सकते हैं, मगर चप्पल उल्टी पड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं देख सकते। घर से निकलते ही लड़कों को इग्नोर तो ऐसे करती हूँ मैं जैसे घर में मेरा शोहर और बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं। मैं भी रोटी बना लेती हूँ, देख ले फिर मैं को काम चोर नहीं बोलना। वो मेरा रांझा, मैं उसकी हीर, बाकी सारी उसकी बहनें और मेरे सारे वीर। पहले मुझे अपना घर छोटा लगता था, फिर मेरी अम्मा ने मुझसे फर्श दुलवाना शुरू कर दिया। अब मुझे लगता है 2-3 कमरे ऐसे ही बनाए हुए, इनको कोई काम ही नहीं। पापा की परी कहती थी कि मेरे पापा का रोड है, बाद में जो हुआ ना उसे देखने के लिए चलो कमेंट चेक करते हैं पहले। चला चलो ये लो, यही होना था ना। कुछ लोग ऐसे तनकीद करते हैं ना जैसे कि खुद जन्नत से ऑनलाइन आते हैं। जिससे करनी थी ना मैंने रास की बातें, हाय हाय हाय, उसे ऊंचा सुनाई देता था। आज मैंने गौर से आईना देखा तो एहसास हुआ कि मासूम और खूबसूरत लोग तो अब भी जिंदा है ना। तो मेरे सोने मोने वेले वेले निक्के निक्के व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरी नई आने वाली वीडियो का बेसब्री बेचैनी से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।